सद्गुरु कबीर ने बीजक में एक रमैनी कही है, जाकर नाम अकहुवर भाई, ताकर काह रमैनी गाई। कहें तात्पर्य एक ऐसा, जस पंथी बोहित चढ़ी वैसा। है कछु रहन गहन की बाता, बैठा रहे चला पुनि जाता। रहे बदन नहीं स्वांग स्वभाव, मन अस्थिर नहीं बोले काहू। तन राता मन जात है, मन राता तन जात। तन मन एक होए रहे, तब हंस कबीर कहाए। हम क्या चाहते हैं? परम तृप्ति, परम शांत, परमानंद। और उसका साधन, उसका धाम कहीं अलग मान लेते हैं। एक ऐसा तत्व मान लेते हैं जो हमसे अलग है, कहीं दूर किसी लोक में निवास करता है। और ये भी मान लिया जाता है कि वह मन बुद्धिवाणी में आने वाला नहीं है। उसके लिए साहब कहते हैं, जाकर नाम अकहुवर भाई, ताकर काह रमैनी गाई। हे भाई, जिसका नाम अकहुआ है, अकहुआ का अर्थ है जिसके बारे में कहा ना जा सके, जिसका वर्णन किया ना जा सके। अकहुआ देहाती शब्द है, शुद्ध शब्द है अनिर्वचनीय या अकथनीय, जिसका कथन ना हो सके, जिसका विवरण न दिया जा सके, वर्णन न किया जा सके। तो जब अकहुआ है वह वाणी में आ नहीं सकता, वाणी वहाँ तक पहुँच नहीं सकती, तो उसकी रमैनी गाने की, उसके विनय वंदना प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या है? जब वह वाणी से परे है और हम विनय वंदना प्रार्थना करते हैं वाणी से, तो हमारी विनय वंदना प्रार्थना वहाँ तक पहुँचेगी कैसे? वो तो बीच में ही रुक जाएगी। प्रार्थना का, विनय वंदना का अपना एक मूल्य है, और वह है जब हम विनय वंदना प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में एक सात्विक भावना आती है। संस्कार थोड़ी देर के लिए अच्छे बनते हैं, लेकिन खाली विनय वंदना प्रार्थना में ही रुक जाने से उस परम तत्व का अनुभव नहीं होगा,
उस शांति दशा आनंद दशा का अनुभव नहीं होगा। चाहे कितने विनय वंदना प्रार्थना कर ले, चाहे उसके नाम का कितना भी जप कर ले, कोई भी एक नाम है जिस नाम के प्रति हमारे धारणा है, पूज्य धारणा है, श्रद्धा है, उस नाम का हम जप करते हैं तो मन में एकाग्रता आती है, क्योंकि मन का स्वभाव है एक बार में एक बात सोचना, और जब भावना पूर्वक किसी नाम का बार 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 जप करने लग जाते हैं श्रद्धा के साथ, तो बाहरी बातें भूल जाती हैं, और जब बाहरी बातें भूल जाती हैं तो मन एकाग्र हो जाता है। मन एकाग्र होता है तो कुछ देर के लिए मन में शांति आ जाती है। तो जप का यह महत्व है। ऐसा नहीं है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, किसी नाम का जप करते हैं, तो हमारी प्रार्थना को, हमारे जप को कोई बाहर बैठ करके सुनता है। कोई सुनने वाला होगा तो हमारे जैसा आदमी होगा वह। और वो सुनने वाला कहीं लोक लोकांतर में बैठा नहीं है। तो प्रार्थना और जप का अपना एक मूल्य है, लेकिन जिंदगी भर हम उसी में रुके रह जाए तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। जिस अनंत शांति, आत्मिक शांत परमानंद का अनुभव करना चाहते हैं, उसका अनुभव कभी नहीं हो पाएगा। दुखों से हम छुटकारा चाहते हैं तो दुखों से पूरा छुटकारा कभी मिल नहीं पाएगा। निश्चित है कि आदमी को एक अच्छी भावना बना करके रखनी चाहिए। कोई आदमी है बराबर किसी एक नाम का जप कर रहा है, उसे तो बाहरी बातों से उसका मन रुका रहेगा, लेकिन उसे आत्मबोध तो नहीं मिलने वाला है। आत्मिक शांति की प्राप्ति तो नहीं होने वाली है। कुछ देर के लिए नाम जप या प्रार्थना काम करते हैं। हम चाहते हैं किसी का नाम जप करके या किसी की प्रार्थना करके उसको खुश कर लें, और बिना हमारे त्याग तप साधना के हमारा वो कल्याण कर दे, हमें मुक्ति गति दे दे। नाम जप प्रार्थना में सरलता है, और आदमी का स्वभाव है कि वह सरलता के तरफ जाता है, लेकिन सरलता की तरफ जाते जाते हम भटक जाते हैं, फिर उसी में रुक जाते हैं। जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पाते। यहाँ तो आप कहते हैं, जाकर नाम अकहुआ रे भाई, ताकर काह रमैनी गए। जिसका नाम अकहुआ है, जो वाणी में आ ही नहीं सकता, जिसे मन बुद्धि वाणी से परे बताया गया है, उसकी रमैनी गाने से, रमैनी विनय वंदना प्रार्थना करने से का कोई मतलब नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि वाणी वहां तक पहुंचेगी ही नहीं। कहें तात्पर्य एक ऐसा, जब पंथी बोहित चढ़ी ऐसा। ज्ञानी जन
उसे एक तात्पर्य कहते हैं। हम ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, खुदा, गॉड, मोक्ष, निर्वाण, केवल अनेक नामों से जिसे व्यक्त करते हैं, सबका तात्पर्य क्या है? दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परम शांति की प्राप्ति, बस यही उद्देश्य, यही तात्पर्य उसका आशय है। नाम चाहे जिस रूप में, लेकिन दुखों की निवृत्ति, आत्यंतिक निवृत्ति या शाश्वत शांति की प्राप्ति रमैनी गाने से, प्रार्थना करने से नहीं होने वाली है। और बिना वंदना से दुखों की निवृत्ति नहीं होने वाली है। उसके लिए समझना पड़ेगा कि दुखों का कारण क्या है। साहब कहते हैं, है कुछ रहनी गहनी की बात, ये बिना वंदना प्रार्थना करने की बात नहीं है। किसी को रिझाने और खुश करने की बात नहीं है, यहाँ किसी रिझाने और खुश करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है रहनी और गहनी की। गहनी ग्रहण करना है और रहनी रहना है, आचरण में उसे उतारना है। और अंततोगत्वा रहनी का अर्थ है मन का पूरा अंतर्मुख हो जाना, शांत आत्मलीन हो जाना। गहनी ग्रहण करना, कल्याण की सही समझ होना, अपने स्वरूप की सही समझ होना और उस समझ को स्थायी मन में बनाए रखना, ये गहना है, ग्रहण करना है। कल्याण की समझ तो हो गई, क्षणिक समझ, लेकिन स्थायी तो उसमें नहीं है। कोई ग्रंथ पढ़े, उसमें कुछ ऐसी बातें आई, संतों की संगत किए, सत्संग किए, उसमें कुछ ऐसी बातें आई, एक कल्याण का उद्रेक हमारे मन में कुछ देर के लिए उड़ता है और लगता है कि यही रास्ता है जीवन जीने का, इसी रास्ते पर चलकर मैं अपने आप को दुखों से मुक्त कर सकता हूँ, दुखों से बचा सकता हूँ। लेकिन इस भाव में मन टिका कहाँ रहता है? क्षणिक वैराग्य हो जाता है, क्षणिक वैराग्य से काम नहीं चलने का। क्षणिक उद्रेक हुआ मन में, उससे काम पूरा नहीं होने का। स्थायित्व तो चाहिए, उसी भाव में मन का डूबे रहना, तब काम बनेगा। लेकिन केवल भाव से भी काम नहीं होगा, कल्याण की समझ तो हो गई, उसके रहनी चाहिए, फिर आचरण वैसा। केवल समझ से काम नहीं बनेगा, समझ की आवश्यकता है, किसी भी दिशा में हो सही समझ की आवश्यकता। समझ ही गलत है, समझ में ही भ्रम है, तो हम सहज सब पर चल कैसे पाएंगे? द्विधा में पड़ा रहेगा मन। तो पहले अच्छी तरह से समझ लेने की आवश्यकता है। समझ में किसी प्रकार का कोई भ्रम ना हो, भ्रम है तो दुख दुखी बनी रहेगी, स्थायित्व नहीं हो पाएगा। फिर
निर्भ्रम समझ, और जब समझ सही हो जाए, दृढ़ता पूर्वक मन में वो भाव बना रह जाए, तब आचरण की आवश्यकता है। केवल समझ से काम नहीं बनेगा, समझ भी चाहिए और समझ के लिए साथ साथ श्रद्धा भी चाहिए। जब समझ और श्रद्धा दोनों स्थायित्व है, दोनों में दृढ़ता होती है, तब आचरण में दृढ़ता होती है। समझ में कमी है और श्रद्धा में कमी है तो आचरण में दृढ़ता नहीं होने पाएगी। हम किसी बात का ठीक सही ढंग से आचरण नहीं कर पाएंगे। इसलिए समझ सही हो कि हाँ इस बात में, ये काम में सचमुच में दुख है, इस काम में सचमुच में सुख है, ये समझ हो, और फिर निष्ठा उसके लिए हो। निष्ठा नहीं है तो स्थायित्व नहीं होगा। तो समझ और श्रद्धापूर्वक आचरण हो। आचरण तो करते हैं लेकिन बिना श्रद्धा के, समझ है श्रद्धा के, बिना समझ के हम नहीं, बिना श्रद्धा के आचरण करते हैं तो थोड़ी सी कठिनाई होगी, थोड़ा सा दुख होगा, छोड़ बैठेंगे। और श्रद्धा तो है, गुरु ने कह दिया है, संत ने कह दिया है, इसलिए श्रद्धा तो है, समझ नहीं है तो भी जब प्रलोभन आएगा, भय आएगा तो हम छोड़ बैठेंगे। समझ भी हो और श्रद्धा भी हो तब आचरण में दृढ़ता होती है। चाहे जैसी कठिनाई आ जाए, जैसी विघ्न बाधा आ जाए, चाहे जो भी घाटा हो जाए, श्रद्धा और समझ पूर्वक आचरण है तो हम उससे डिगेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं। तो सही समझ चाहिए, समझ है ग्रहण करना, गहनी, और रहनी है उसका आचरण। आचरण करते 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 मन फिर बाहर से लौटेगा भीतर की तरफ, अंतर्मुख होगा, शांत होगा, तब उस दशा का अनुभव होगा, तब दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होगी। खाली कहने सुनने से नहीं होने वाली है। पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे तन मन वचन के ऐसे कौन कौन से भाव है, कौन कौन से कर्म हैं, व्यवहार है, जिससे हमें दुख मिलता है, हमारे दुखों की वृद्धि होती है, हमारा मन चंचल और विकारी होता है। जब समझ में आ जाए तब मन के, मन तन मन वचन के उन सारे भावों और सारे कर्मों और व्यवहारों का त्याग कर देना होगा, और फिर जब हमको त्याग कर देते हैं तो दुख से बच जाते हैं। फिर इसके साथ साथ जिससे हमारा मन शुद्ध होता है, संस्कार शुद्ध बनते चले जाते हैं, ऐसे दया, क्षमा, सत्य, धीर, विवेक, विचार, ये जो सद्गुण हैं उनका आचरण करना होगा।
गलत काम, गलत क्रिया, गलत हरकत, गलत भावना, गलत सोच का त्याग तो कर दिए, तो इससे दुखों से बच गए, लेकिन जो सुख और शांति चाहते हैं उनका अनुभव नहीं होगा, उसकी प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए जो सद्गुण हैं उनका ग्रहण करना होगा, उनका आचरण करना होगा। हम इसको सहज रूप से ऐसा समझ सकते हैं, हमारे शरीर के लिए जो जो हानिकर है ऐसी चीजों का हमने त्याग कर दिया, तो शरीर में गर्मी नहीं आएगी, उत्तेजना नहीं आएगी, बीमारी नहीं होगी। लेकिन जिनको खाने से शरीर में बल बढ़ता है, ताकत आती है, शरीर पुष्ट होता है, वो चीज़ को हम नहीं खाते हैं तो शरीर हमारा स्वस्थ कैसा रहेगा? जिनको खाने से शरीर अस्वस्थ रोगी होता है, पहले उनका त्याग करना होगा। और जिनको खाने से शरीर स्वस्थ होता है, शरीर का बल बढ़ता है, खून की वृद्धि होती है, शरीर निरोग होता है, उनको खाना पड़ेगा, दोनों करना पड़ेगा, त्याग और ग्रहण एक साथ, तब हमारा शरीर रोगों से दूर रहेगा और दूसरी तरफ शुद्ध रहेगा। यही बात मन के लिए भी है, जीवन के लिए भी है। जिस जिस भाव, जिस क्रिया, जिस आचरण, जिस व्यवहार से दुख मिलता है, दुख का अनुभव होता है, उन सब का त्याग। और जिस भाव, जिस आचरण, जिस कर्म, जिस व्यवहार से मन शुद्ध होता है, मन के विकार घटते हैं, शांति मिलते, अंदर मुक्ति होती है, उनका ग्रहण, उनका आचरण। तो एक तरफ हम दुखों से बचते जाएंगे और दूसरे तरफ हमारा सुख बढ़ता जाएगा, शांति बढ़ती जाएगी, मन अंतर्मुख होता जाएगा। यदि हम अपनी प्राप्त समझ का उपयोग करना शुरू कर दें, जितनी हमारी समझ है, जितनी हमारी बुद्धि काम करती है, उतने का उपयोग करना शुरू कर दें। जितना हम जान रहे हैं कि ये गलत है और यह अच्छा है, ठीक है, तो जितना जानते हैं गलत उतने का त्याग, और जितना जानते हैं सही उसका प्रयोग, उसका आचरण, तो बराबर हम कल्याण दशा, शांति दशा, परम तत्व की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। हमारी कमजोरी होती है जो जानते हैं सही उसको स्थायी पकड़ करके रख नहीं पाते, जीवन में उसका प्रयोग कर नहीं पाते, और जो जानते हैं गलत उनका त्याग नहीं कर पाते, छोड़ नहीं पाते। इसलिए हम जिंदगी भर दुखी के दुखी और अशांत के अशांत बने रह जाते हैं। और एक काम भरे का ज्ञान हर आदमी के पास है, हर आदमी जानता है कि क्या गलत है और क्या सही है, लेकिन कमजोरी है, विषयों की आसक्ति, मन के ऐसी दुर्बलता कहना चाहिए, विषयों की आसक्ति ने, लोभ ने हमें ऐसा दुर्बल बना दिया है, कमजोर बना दिया है कि हम जानते हुए भी गलत का त्याग नहीं कर पाते और सही का आचरण नहीं कर पाते। इसलिए जानते बुझते हुए भी हम
दुखों से बच नहीं पाते हैं। क्यों? इसमें मेहनत है। गलत का त्याग करके सही दिशा में चलने में मेहनत है, और हम मेहनत से घबराते हैं। बाहर भौतिक क्षेत्र में तो हम चाहे जितनी मेहनत करना चाहें वहां मेहनत कर लेते हैं, लेकिन भीतर साधना क्षेत्र में आकर के हम मेहनत से घबराते हैं। उस मेहनत से घबराने के कारण ही धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में तमाम प्रकार के नाम जप पूजा पाठ कर्म कांड का प्रचलन हुआ है। जितना आदमी आदतों का गुलाम होगा, जितना आदमी के मन में लोभ होगा, लालच होगा, और जितनी कायरता होगी कहना चाहिए, उतना आदमी ज्यादा ज्यादा पूजा करेगा, पाठ करेगा, नाम जपेगा, हवन तर्पण करेगा। क्योंकि उसे भी पता है जो काम मैं कर रहा हूं ये काम गलत है, लेकिन लोभवश वो छोड़ नहीं पा रहा है, कचोटता रहता है उसका अंतःकरण, उसका मन कि मैंने गलत काम किया है, अशांत बना रहता है मन। उस मन के कचोट से, अशांत से बचने के लिए फिर वह नाम जप का सहारा लेता है, पूजा पाठ का सहारा लेता है, इस मंदिर से उस मंदिर तक भटकता रहता है, इस तीर्थ से उस तीर्थ तक भटकता रहता है। लेकिन चाहे कितना भटक लो, कितना नाम जप कर लो, जब तक गलत काम छोड़ोगे नहीं कभी शांति से जीवन जी नहीं पाओगे। और गलत काम करना छोड़ दो, विषयों की आसक्ति, मन की जो दुर्बलता है, गंदी आदतें, इनको छोड़ दो, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। कितने भटकाव होगा? साहब कहते हैं है कुछ रहनी गहनी की बात, ये रहनी गहनी की बात है, ये कथा कीर्तन से होने वाला नहीं है। पहले मैंने ये कहा कि ये तो समझो कि हमारा दुख कहां से आ रहा है, हम दुखी क्यों है? अपनी दुर्बलता के कारण, विषयों की आसक्ति है, भोगों का लालच है, उनके कारण हमने अपनी आदत बिगाड़ ली है। तो अपनी बिगड़ी आदत को हम सुधारने का काम नहीं करते। सबसे बड़ा भजन, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी प्रार्थना, सबसे बड़ा नाम जप है अपनी बिगड़ी आदत का सुधार करना, त्याग करना। बस बिगड़ी आदतों को सुधार करने के समान न कोई पूजा है, न कोई विनय वंदना प्रार्थना है, न भजन है, न साधना है, न नाम जप और कथा कीर्तन है, लेकिन मेहनत है इसमें। सुख का लालच बना हुआ है मन में, और जितना हमारा मन लालची बनेगा सुखों का, उतना हम कमजोर। लोभी आदमी, चाहे वो लोभ किसी का हो, चाहे धन का लोभ हो, चाहे पद का लोभ हो, चाहे प्रतिष्ठा का लोभ हो, चाहे मान सम्मान का लोभ हो, चाहे और बाहर से कुछ पाने का लोभ, स्वर्ग मोक्ष पाने का लोभ हो, जितना लोभ होगा आदमी उधर से कमजोर होगा। और जितने हम कमजोर होंगे फिर तमाम प्रकार के कर्म कांडों में उलझते चले जाएंगे। रहनी गहनी की बात हम भूल जाते हैं। साहब कहते हैं ये रमैनी गाने, विनय वंदना प्रार्थना करने, नाम जपने का विषय नहीं है, रहनी गहनी की बात है। सही समझ,
कल्याण के जो सहायक अंग है उनकी सही समझ और उनमें सही पकड़, मन की दृढ़ता, नहीं कि यही रास्ता है, इसको छोड़ करके और कोई दूसरा रास्ता है नहीं, मन में ये भाव दृढ़तापूर्वक बैठ जाना, ये ग्रहण करना है, गहना है। अब फिर जो भाव बैठा है मन में उसके अनुसार से जीवन का व्यवहार करना, आचरण करना, ये रहनी है। हमारी समझ का हम जितना जितना उपयोग करते जाएंगे, आचरण करते जाएंगे उतना उतना जो हम चाह रहे हैं उसका अनुभव होता जाएगा, हम उसके नज़दीक पहुंचते जाएंगे। चलने के बाद में साहब कहते हैं, है कछु रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुनी जाता। इसके आगे पंडित कह रहे हैं, जत पंथी बोही चढ़ी वैसा, रहनी गहनी हो जाए तो आदमी बैठे बैठे चला जाता। जैसे हम नाव में बैठ जाते हैं, बस बैठे बैठे नाव में बैठे हैं लेकिन नदी को हम पार कर जाते हैं, चलना थोड़े पड़ता है, बस नाव में बैठ जाओ, मल्लाह चला रहा है नाव को, अब बैठे बैठे हम इस पार से उस पार पहुंच जाते हैं। बैठा रहे चला पुनी जाता, बैठे बैठे आदमी पहुंच जाता है। हमारी मंजिल कहीं बाहर है तो उसके लिए चलना पड़ेगा। यहां से हमें दिल्ली जाना है, बंबई जाना है, तो चलना पड़ेगा, बिना चले हम पहुंचेंगे नहीं। लेकिन उसे भी साहब ने कहा है, बस दिल्ली जाने वाली गाड़ी में बैठ जाओ, फिर चलना नहीं पड़ेगा, गाड़ी में बैठो बस सो जाओ, सुबह पहुंच जाओगे दिल्ली बैठे बैठे। लेकिन फिर भी बाहरी मंजिल है, उसके लिए चलना तो पड़ेगा, गाड़ी का सहारा तो लेना पड़ेगा। भीतरी मंजिल एक ऐसी मंजिल जहां पहुंच जाने के पश्चात हमारी यात्रा समाप्त हो जाती है, फिर कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती, जिसके लिए कहा गया तुम्हें पहुंचना उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं। वो कौन सी मंजिल है? वह मंजिल बाहर नहीं है, वह मंजिल है भीतर, आत्मलीनता। हमें यह समझना होगा हर मौलिक पदार्थ की स्थिति उसके अपने आप में ही होती है। कोई भी मौलिक पदार्थ की स्थिति, उसका गंतव्य, उसके मंजिल अन्य पदार्थ नहीं है। जहां का पद तहां समाई, जहां का जो पद है, हर मौलिक पदार्थ की अंतिम स्थिति उसके अपने स्वरूप में ही होती है, बाहर नहीं। तो हमारा जो गंतव्य है, हमारा जो प्राप्तव्य, हमारी जो मंजिल है, वो हमसे अलग नहीं है। वहां जाने के लिए हमें पैरों से चलना नहीं पड़ेगा, रहनी गहनी की बात है। जितना जितना विषयाशक्ति, लोभ, लालच, देहाभिमान, गलत आदतों का, गलत कर्मों का त्याग होता जाएगा और कल्याण सहायक जो अंग है उनका जीवन में प्रयोग होता जाएगा, वहां हम बैठे बैठे ही जहां पर हैं वहीं रहते रहते अपनी उस मंजिल तक हम पहुंच जाएंगे। कि वो तो प्राप्त है, लेकिन समझ की कमी और आचरण की कमी, स्वरूप बोध का अभाव
और विषयाशक्त, इन दोनों के कारण से हमारी मंजिल हमें दूर जैसी लगती है, कहीं दूर नहीं है, नहीं दूर है वो मैं चेतन विहारी। ये गुरुदेव की कविता का एक अंश है, नहीं दूर है वो हमें चेतन विहारी, जिसे मैं पाना चाहता हूँ वो मुझसे दूर नहीं है, वो चेतन जिसमें विहार करना चाहता हूँ तो मैं ही हूँ, फिर उसके लिए चलना कहाँ है, है कुछ रहने गहने की बात साहब, तो रहने गहने की बात है और बिना वंदना की बात नहीं, कथा कीर्तन की बात नहीं है। सही समझ और समझ के अनुसार से आचरण और रहने का अंततोगत्व, मन का पूरी तरह से शांत हो जाना, अंतर्मुख आत्मलीन हो गए, बाहर की सारी इच्छाएं मिट गई, मन बाहर भागता ही नहीं है, रुक गया मन, बस पहुंच गए। मन का रुक जाना, रुकने का मतलब कुछ ना सोचना, निर्विचार दशा, मन निर्विचार हुआ, मन रुक गया, हम पहुंच गए, पहुंच कहाँ गए, अपने से जुड़ गए। जब तक विचार चलते हैं तब तक हम दुनिया से जुड़े होते हैं, विचार शांत हो गए दुनिया शांत हो गई, अपने हम पहुंच गए। साहब कहते हैं है बैठा रहे चला पुनी जाता, बस बैठे बैठे यहां पहुंच जाना है। मन शांत हुआ, मन रुक गया, बस अपने से जुड़ गए, पहुंच गए। रहे बदन नहीं सांग स्वभाव, मन अस्थिर नहीं बोले काहो। सदगुरु कहते हैं लेकिन ध्यान रखना, इसके लिए शरीर में बहुत छाप तिलक लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी माला, ऐसी टोपी, ऐसा कपड़ा, ये चंदन वो चंदन, ये सब करने के लिए आवश्यकता नहीं है। सहज सात्विक वेश, हर मत मजहब संप्रदाय का अपना एक वेश होता है, वो भी सहज और सरल होना चाहिए। बहुत से लोग पता नहीं कितने माला और कितने अंगूठे और कितने क्या क्या पहन ले, तड़क भड़क, ये तड़क भड़क चीज नहीं था। रहे बदन नहीं सांग स्वभाव, शरीर में बहुत सांग बनाने की आवश्यकता, छाप तिलक लगाना, माला चंदन की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता किसकी है, मन अस्थिर नहीं बोले का हो, मन स्थिर हो और न किसी से बोले, मतलब मन मतलब वाणी का मौन, सीधी बात है मन और वाणी का संयम। हमारी वाणी जितनी चंचल होती है उतना हमारा मन चंचल होता है, और जितना हमारा मन चंचल होता है उतनी हमारी वाणी चंचल होती है। मन की चंचलता वाणी की चंचलता को बढ़ाती है, वाणी की चंचलता मन की चंचलता को बढ़ाती है। मन का भी मौन और वाणी का भी मौन, मन और वाणी दोनों पर संयम। मन वाणी में संयम है तो इंद्रियों पर संयम अपने आप हो जाएगा, और यह काम हम नहीं करते। पता नहीं कैसी कैसी बातें हम सोचते रह जाते हैं, गंदी गंदी बातें, और दिन भर में पता नहीं हम क्या क्या बोल जाते हैं। जो आदमी बराबर दिन भर बोलता रहता है, जिसके वाणी में संयम नहीं है, कब क्या बोल दे, बिना झूठ बोले वो रहेगा नहीं, दिन भर सच बात थोड़े बोलता रहेगा, इसलिए वाणी का संयम आवश्यक है। साहब ने तो कहा है जाके जिभ्या बंद नहीं, हृदया नाही सांच, ताके संग न लागिए घाले बटिया मांझ। जिसकी वाणी में संयम नहीं है,
और हृदय में सच्चाई नहीं है, उसका साथ मत कर देना, उसका साथ जाना मत, वो तुम्हें बीच रास्ते में धोखा दे देगा। इसलिए वाणी में संयम चाहिए और मन में भी संयम चाहिए। तन मन वचन तीनों का संयम जब हो गया, बस फिर और क्या करना होगा, सब काम पूरा हो गया। ये संयम की आवश्यकता यहां पर है, गाने बजाने की, रोने गाने की आवश्यकता नहीं है। तन राता मन जाता है, मन राता तन जाए। जहां शरीर आसक्त है, जहां शरीर को आराम मिलता है, सुविधा मिलती है, अच्छे तरह से खाने पीने को मिलता है, वहां मन दौड़ करके चला जाता है। और मन राता तन जाए, और जहां मन आसक्त है, जिसके बारे में मन बराबर सोचता रहता है, वहां तन दौड़ करके पहुंच जाता है। जहां जहां हम आप गए हैं और जहां जाने पर हमारा बहुत बढ़िया स्वागत हुआ है, सत्कार हुआ है, अच्छे ढंग से खाने पीने को मिला है, आरामदायक रहने की जगह मिली है, होता क्या है, बार बार मन वहीं सोचता रहता है, वहां गए थे, कितना बढ़िया आदर सत्कार हुआ था, कितना बढ़िया रहने की जगह मिली थी, कितना बढ़िया बढ़िया लोग खाने को दिए थे, बराबर मन वहीं दौड़ दौड़ करके जा रहा, उसी चिंतन कर रहा। एक बार तो खा लिए लेकिन आदत बन गई, अब बार बार सोच सोच करके पुलकित हो रहे हो, फायदा क्या होगा। और मन बार बार जिसको सोचता है, धीरे धीरे शरीर क्रियाएं हमारी वैसे होना शुरू हो जाता है। तो तन राता मन जाता है, जहां शरीर आ सकता है, इंद्रियां आ सकता है, जहां अधिक सुविधाएं मिलती है, मन बराबर उसी का चिंतन करता रह जाता है, और बस यही भटकाव का कारण बनता है। और मन जब बार बार सोच रहा है, स्वाभाविक जिसके बार बार जिसको मन सोचेगा, एक न एक दिन शरीर से वैसी क्रिया होना शुरू हो जाएगा, शरीर हम ऐसी हरकत करना शुरू कर देंगे। इसलिए शरीर को जहां अधिक आराम मिला है, सुख मिला है, इंद्रियों के भोग मिले हैं, बराबर का चिंतन मत करो, और ऐसी गलत बात बराबर मन में मत सोचो जिससे फिर तुम्हें वैसी क्रिया करना पड़ जाए, फिर तो पतन हो जाएगा। इसलिए तन पर भी संयम, इंद्रियों पर भी संयम, और मन के चिंतन पर भी संयम। तन मन एक हो रहे तब हंस कबीर कहा है, सदगुरु कहते हैं जब तन और मन दोनों संयमित हो जाए, तन की क्रिया साधना के लिए लग जाए, कल्याण के लिए लग जाए, सेवा भक्ति में लग जाए, और मन का चिंतन भी उसी कल्याण साधना में, विवेक वैराग्य में लग जाए, दोनों के एक दिशा में, साधना मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, संयम के मार्ग में लग जाए, तब हंस कबीर कहा है ये जीव हंस कहलाता है, फिर ये हंस हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। हंस कहलाने मतलब क्या है, कृतार्थ हो जाना, शुद्ध बुद्ध रह जाना, मुक्त स्वरूप हो जाना, तो भटकने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता तत्व को समझने की है, और समझ करके तन पर संयम करने के और मन पर संयम करने के है। जितना जितना हमारा संयम बढ़ता जाएगा तन और मन दोनों का, उतना उतना हम कल्याण के निकट पहुंचते जाएंगे। जो हम चाहते हैं उसे, चाहे ईश्वर प्राप्ति का हो, ईश्वर साक्षात्कार का हो, ब्रह्म साक्षात्कार का हो, हकबीनी का हो, दीदार का हो, कैवल्य निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति का हो, परमानंद या परम शांति की प्राप्ति का हो, कुछ भी कह लो, सबका तात्पर्य एक ही है। उसके लिए रहनी गहनी और तन मन दोनों के संयम की आवश्यकता है। बिना संयम के
हम कभी सच्चे सुख सच्चे शांति का अनुभव कर ही नहीं सकते हैं, चाहे हम कितना भी जानते हों, कितने भी पूजा पाठ आदि आदि कुछ कर रहे हों, तन और मन संयम नहीं है तो ध्यान साधना में हमारा बैठना संभव नहीं होगा। क्यों घबराता है मन? ध्यान साधना में बैठना फांसी पर लटकाना जैसा क्यों लगता है? क्योंकि हमारा तन भी असंयमित है और मन भी असंयमित है। भोगों का लालच मन में बना हुआ है, सुविधा प्रेमी बने हुए हैं। सुविधा की आवश्यकता है, सह सुविधा मिलते प्रयोग करो, लेकिन इतना सुविधा भोगी मत बन जाए कि थोड़ी सी तकलीफ हो जाए, थोड़ी सा सुविधा मिले घबराने लग जाए, बस भाग जाओ वहां से। अधिक सुविधा भोगते 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 बस मन उसी में डूब जाता है, लीन हो जाता है, फिर हम जरा भी कष्ट सहन नहीं करना चाहते, कष्ट सहिष्णु बनना पड़ेगा। सुविधा को भोग करते हुए भी मन उसमें डूबने ना पाए, ये ध्यान रखना होगा। और मन पर संयम तो आवश्यक है ही, तो तन और मन दोनों जब संयमित हो गए, एक तन और मन दोनों कल्याण साधना के लिए समर्पित हो गए, तब हंस कबीर कहा है, साहब कहते हैं हंस बन जाओगे, कृतार्थ, मुक्त आत्मा। जो शब्द में कहना चाहें कह जाए, आप हर जीव हंस है, लेकिन इंद्रिय लंपटता और मन की चंचलता कारण से सब बगुला बने हुए हैं, बस इसीलिए दुख है, इसीलिए पीड़ा, भटक रहे हैं। तन और मन दोनों पर संयम, हर बात में संयम, संयम ही हमें उस धाम तक पहुंचाएगा जहां हम पहुंचना चाहते हैं। संयम ही हमें उसका साक्षात्कार कराएगा जिसका साक्षात्कार हम करना चाहते हैं। संयम ही उससे हमारी मुलाकात कराएगा जिसे हम मुलाकात करना चाहते हैं, उस मंजिल तक पहुंचाएगा जिस मंजिल तक हम जाना चाहते हैं। सदगुरु कहते हैं तन मन एक हो रहे, तन और मन दोनों संयमित, तन का आचरण शुद्ध और मन की भावनाएं शुद्ध, मन के विचार शुद्ध, मन के चिंतन शुद्ध, बस बैठा रहे चला पुनी जाता, बैठे बैठे उस धाम तक पहुंच जाएंगे जहां पहुंच करके हमारी यात्रा पूरी हो जाती है। तो इस रमैनी में सदगुरु कबीर चार बातें बताते हैं कि जो मोक्ष तत्व है, परम तत्व है, खुदा गाद निर्वाण की बात है, वो रमैनी गाने के का विषय नहीं है, विनय वंदना का विषय नहीं है। इसलिए बहुत विनय वंदना में न पढ़ो, विनय वंदना करते भी हो तो बस उसको जितना हो संक्षिप्त और सादा सरल रखो, और कल्याण की सही समझ, किस किस आचरण को ग्रहण करने से, किस मार्ग में चलने से शांति प्राप्ति होगी, ये समझ प्राप्त करो, और समझ प्राप्त करके दृढ़ता पूर्वक उसको पकड़ करके उस दिशा में चलें, और तन और मन दोनों पर पूर्ण संयम रखें, बस काम पूरा हो जाए। एक बार फिर से मनन करें रमैनी को, सदगुरु कहते हैं जाकर नाम अकहुआ रे भाई, ताकर का रमैनी गाई, कहें तात्पर्य एक ऐसा, जत पंथी बोहित चढ़ी वैसा, है कछु रहन गहने की बाता, बैठा रहे चला पुनी जाता, रहे बदन नहीं सांग स्वभाव, मन अस्थिर नहीं बोले काहू, तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एक होय रहे, तब हंस कबीर कहा। सदगुरु कबीर ने पूरी सामग्री इस एक रमय ने हमें दे दी है, हमें समझना है, समझ कर ग्रहण करना है, और बस आचरण वैसे बनाकर दिशा में चलना है।
थोड़ा समय 5 मिनट 6 मिनट बाकी है, बत्ती बुझा करके शांत होकर के मनन करें और जो साधना दिया गया है उस साधना में लग जाए।